मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपने मामूली सी बात पर मारपीट होते हुए बहुत वीडियो देखा होगा, मगर समोसे की चटनी के लिए मारपीट होते हुए नहीं देखा होगा, मगर आज वो भी आप देख लें। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, बीच सड़क पर मारपीट हो रही है। दरअसल एक वकील के शर्ट पर चटनी गिर जाने की वजह से ये मारपीट हो रही है। ये पूरा मामला बांदा जिले का है, जहां एक वकील साहब एक ठेले गाड़ी के पास पराठा खा रहे थे और तभी एक और व्यक्ति वहां पहुंच गया और वो भी पराठा लेकर खाने लगा। इसी दौरान उस व्यक्ति के प्लेट से थोड़ी सी चटनी वकील साहब के शर्ट पर गिर गई। बस फिर क्या था, चटनी से भी तीखा वकील साहब का दिमाग हो गया और एक तरफ से चप्पल तो दूसरी तरफ से बेल्ट बाहर निकल आई और बीच सड़क पर एक दूसरे पर दे दनादन शुरू हो गया। दोनों ने बीच सड़क पर एक दूसरे की खूब फजीहत की और एक दूसरे को जब मार मार कर ये दोनों थक गए तो वहां से खुद पानी से हाथ मुंह धोकर दोनों अपने अपने घर चले गए। वही पुलिस ने इस पूरे मामले में बताया है कि अभी तक किसी के तरफ से शिकायत नहीं मिली है और शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड पर एक अधिवक्ता तथा कुछ यात्रियों के मध्य पराठा खाने को लेकर के विवाद हो गया था, जिसके संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा कोतवाली पे कोई तहरीर नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि पराठा खाने के दौरान अधिवक्ता की शर्ट पर चटनी गिर जाने को लेकर के विवाद हुआ था। यदि दोनों पक्षों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त होती है तो आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।